ये काफ़ी हैवी टाइप की आईडीज़ थी, और जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है इस तरह की आईडीज़ को डिफ्यूज़ करने का, एनएसजी के बॉम्ब स्क्वाड के थ्रू डिफ्यूज़ कराई गई है, और इसके पास एक 30 का पिस्टल और 4 कार्टेजेस भी मिले हैं। 3 कार्टेजेस ने फायर किए थे, उनके केसेस भी मिले हैं मौके से। इसके हैंडलर के बारे में, जैसे मैंने कहा कि ये 2015 में जब आया तो इसका फर्स्ट हैंडलर था यूसुफ अल हिंदी। यूसुफ अल हिंदी जो है, इसको उसने इसको इनिशियली इनिशिएट किया, रेडिकलाइजेशन किया इसका, और इसको ISIS का अपना पार्ट बनाया। यूसुफ अल हिंदी के बाद वो अमेरिकन स्ट्राइक्स में मारा गया, अब सीरिया में अमेरिकन स्ट्राइक हुई। सब्सिक्वेंटली खुरासान प्रोविंस का जो IS मॉड्यूल है, ISKP जैसे कहते हैं, उसमें अली हुजैफा पाकिस्तानी इसका हैंडलर रहा। हुजैफा पाकिस्तानी ने इसको सीरिया आने का भी, सॉरी खुरासान आने का भी प्रॉमिस किया था कि आपको खुरासान लाएंगे फैमिली के साथ में, बट जब लास्ट ईयर वो ड्रोन स्ट्राइक में मारा गया, तो जो नया हैंडलर था इसका, जो नया अमीर है ISKP का, उसने इसको इंस्ट्रक्शन दिए कि आप वहीं पर इंडिया में ही कोई एक्शन कीजिए। उस डायरेक्शन के तहत कल ये दिल्ली में आया था, किसी हैवी फुटफॉल एरिया में इसको ये IDs प्लांट करनी थी, और इसको ये भी इंस्ट्रक्शन थी कि ये जब वापस लौट जाएगा यहाँ ये कार्रवाई करके, तो उसके बाद इसे फिदाइन करना था। कितने समय से ये जो है ये अपना ट्रायल रन कर रहा था, और इसने ट्रायल रन भी किया था? नहीं, इसने ट्रायल रन कोई नहीं किया, मैं कह रहा हूँ कि इसने अपना जो सिस्टम है, जो इसका एक्सप्लोसिव डिवाइस है, ये इसने